करेक्टर, शराब बंद होगा ऐसा? ये सब बंद भाई, बिहार में नहीं होगा शराब बंद, न क्राइम बंद होगा। और बोलिए, जब तक पब्लिक नहीं चाहेगा, सरकार के चाहने शराब बंद हो जाएगा? ट्रक का ट्रक जो बाहर से आ रहा है वो हमारे आपके बदौलत आ रहा है क्या, यही बतलाइए? बिना सरकार और प्रशासन के मिली भगत से आ रहा है। नमस्कार, मैं हूँ अनिकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। जेल में शराबी लोग जितने भी हैं वो भरते जा रहे हैं, पुलिस जो है फुल एक्शन में है। और जितने भी लोग शराब पी रहे हैं, होटल में पिए, घर में पिए, रोड पे पिए, पुलिस पकड़ रही है और उनको जेल में बंद कर रही है। तो चलिए लोग से बात करते हैं कि ये सब करने से क्या लगता है उनको, शराब बंद हो जाएगा? बहुत लोग अरेस्ट हो रहे हैं शराब को लेके, क्या लगता है आप? तो शराब बंद हो जाएगी क्योंकि सरकार अलर्ट पे, प्रशासन अलर्ट पे? हमको तो नहीं लगता है कि जेल में भर रहे हैं लोग, उससे क्या हो जाएगा? जेल में भर रहे हैं तो जो गरीब आदमी है वो मर रहा है, जो अमीर आदमी है वो बोल करा के बाहर आ रहे हैं। अच्छा, जो मतलब कि जो गरीब हैं वो शराब पी के जेल में सड़ रहे हैं? सड़ रहे हैं, उनके पास व्यवस्था नहीं है बेल करवाने का। जो लोग अमीर हैं, है, अमीर हैं, वो पैसा खर्चा करके बेल करवा लेते हैं। तो शराब बंद नहीं होगा? ना, हमको तो नहीं लगता है बंद होगा, जो स्थिति है। और ये जो सीरियस हुई है पुलिस अचानक से, अब ये सब देखिए कितना दिन का क्या है। अभी सीएम नीतीश कुमार अभी जो टाइट किए हैं, हो सकता है उस बोल करके थोड़ा प्रशासन भी थोड़ा टाइट हो, लेकिन ये कितना दिन रहेगा? अच्छा बात है, हम तो कहते हैं कि शराब बंदी है तो शराब आ क्यों रहा है बिहार में? ना आए नबी के, सबसे बढ़िया बात यही हो जाएगा, ना आए नबी के, लोग जेल भरने से कुछ नहीं होगा, लोग तरस जाए पीने को। हाँ। उसको अवेलेबल ही नहीं होगा तो वो पिएगा कहाँ से, ये बताइए। बल्कि बाहर से, आपका कहना है कि बाहर से आए ही ना, आए ही ना, ना आए नबी के, बाहर से क्यों आ रहा है? ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सरकार भी जानती है, प्रशासन भी जानता है, आ रहा है, बिक रहा है घर घर। आपके हिसाब से जितने सीरियस हो ये पुलिस, उसके वजह से शराब बंद होगा या नहीं होगा? नहीं, हमको तो नहीं लगता होगा, ये कुछ दिन का बात है, कुछ दिन के बाद फिर वैसे ही हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे एक और भी लोग मौजूद हैं, आपको भी पता होगा कि जेल में आजकल शराबी लोग ज्यादा हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है वो बहुत पकड़ पकड़ के ले जा रही है पुलिस। वो कितनों भी पकड़ ले, जब तक वहाँ मेन जगह पे दारू को बंद नहीं किया जाएगा तब तक वो दारू आते ही रहेगा और बिकते ही रहेगा। सबसे ज्यादा क्या क्या ट्रक का ट्रक जो बाहर से आ रहा है वो हमारे आपके बदौलत आ रहा है क्या, यही बतलाइए? बिना सरकार और प्रशासन के मिली भगत से आ रहा है, हमको ये ना समझ में आता है। बिहार के बाहर से, अदर स्टेट से बिहार में आ रहा है, ट्रक का ट्रक आ रहा है, जितना पकड़ा रहा है उससे ज्यादा बिक रहा है, तो कैसे आप कहिएगा कि बंदी होगा? जब तक स्टेट में शराब नहीं आएगा, आज आप 5,000 रुपया एक बोतल देने के लिए तैयार हैं, उसके बाद आपको अवेलेबल नहीं हो, तब ने हम मानेंगे कि यहाँ शराब बंदी है। चलिए, तो आपके हिसाब से ये जेल भरने से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, ये शराब जेल जा रहे हैं लोग, ये तो मालूम होगा। हाँ हाँ, बहुत जा रहे हैं, बहुत आदमी जेल जा रहे हैं, कोई भी कांड हो तो जेल, क्या चीज का? होटल में लोग पकड़ा रहे हैं, अगर आपको मालूम होगा तो। वो शराब होटल में क्या पकड़ा रहा है? बड़का आदमी पकड़ा रहा है, छोटका आदमी के रिक्शा ठेला जा रहा है, पहले बताइए। जो मर्डर कर रहा है पकड़ा रहा है, पहले बताइए। आप ही बताइए, कोई मर्डर किया हुआ कोई आदमी जेल में गया है? गया तो गरीबे रिक्शा लगे, जब साला सोने का ठिकाना नहीं हो, मच्छर इतना काटता साला फोड़ा हो जाता है उसको, बड़ा आदमी जाता है ऐसो आराम। शराब बंद होगा ऐसा? ये सब बंद भाई, बिहार में नहीं होगा शराब बंद, ना क्राइम बंद होगा। और बोलिए, कुछ दोनों बंद नहीं होगा बंद? क्यों क्यों सरकार से पूछे? क्यों नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि 15 साल बेमिसाल वो अपना राज भोग रहा है, यहाँ गरीब मरवा रहा है अच्छी तरह से। तो पुलिस तो बहुत अलर्ट पे है कि जो भी शराब पिएगा उसको अंदर कर देंगे। शराब पीकर तो सब लोग फिलहाल घूमते ही हैं रोड पे, और शराबबंदी कहीं नहीं है, आप जहाँ भी देखिएगा शराब आपको मिल ही जाएगा। और नीतीश कुमार का कहना है कि शराबबंदी पूर्णता है, लेकिन पूर्णता कहीं पुलिस पूरा अलर्ट पे हो गई है। आप देख रहे होंगे कि रोज जेल भरा जा रहा है, लोग जा रहे हैं सब, मतलब जो कभी कदाल करने वाले हैं, जो रोजाना पीने वाले हैं उनको कभी कहीं नहीं पकड़ा जाएगा, उनको नहीं पकड़ा जाएगा, नहीं पकड़ा जाएगा। जो है कि मतलब महीना दो महीना में कहीं बाहर से आए, छुट्टी लेकर आए, वो लोग पीते हैं और कहीं अचानक गलती से पकड़े जाते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है सरकार जो है पूरा अलर्ट पे है, तो अब तो पूरा पटना जेल में होगा जो लोग पीता है शराब, कि नहीं? पूरा पटना नहीं हो, जो लोग पीते हैं शराब नहीं, नहीं हो पाएगा। क्यों? पुलिस छापेमारी कर रही है, होटल में जा रहा है, हर जगह जा रहे हैं वो लोग। छापेमारी करने से क्या, शराबबंदी तो करीब आपको 2 साल पहले हुई थी, फिर भी बिहार में दारू तो मिल ही रही है। ये जो लोग पकड़ा रहे हैं वो मेन लोग नहीं है? नहीं, मेन लोग नहीं है। हाल ही में आप कल या परसों के न्यूज में देखे होंगे कि 6 सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी होटल में पकड़ाए हैं, एक बोतल के चलते। हाँ, एक बोतल के चलते हैं, और यहाँ हजारों हजार के संख्या में बोतल पकड़ा रही है, तो वही सब है और क्या। तो आपको लगता है कि बस यूं ही किसी को भी पकड़ के डाल दिया जा रहा है? हाँ बिल्कुल।
नीतीश कुमार के जितने भी लोग हैं जो सरकार है वो तो अब शराब बंद करके ही दम लेगी, क्या लगता है? ऐसा तो कुछ नहीं है, लोग आप देख रहे होंगे कि छापेमारी हो रही है तो लोग जेल जा रहे हैं, बहुत लोग जा रहे हैं, पकड़ा रहे हैं लोग, तब शराब बंद? ऐसा कुछ नहीं है, पिछले पहले भी आज से आज 10 साल से जब शराब बंद थी फिर भी शराब लोग पी रहे थे, आज भी पी रहे हैं, तो कैसे हम कह सकते हैं कि पहले बंद था या अब बंद था? शराब तो चोरी छुपे चल ही रहा है, तो इसको कैसे कहा जाए कि शराब बंद है? तो पुलिस कुछ ज़्यादा एक्टिव हो गई आपको नहीं लगता? जरूर एक्टिव हुई है, पहले से बहुत ज़्यादा एक्टिव। बंद हो जाएगी? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हो जाएगी, बंद तो नहीं होगी। आपको क्या लगता है, जेल भरा जा रहा है, लोग लगातार पकड़ा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है अब शराब बंद? शराब बंद कैसे हो जाएगा? नहीं, जब तक पब्लिक नहीं चाहेगा, सरकार के चाहने शराब बंद हो जाएगा, मेन तो पब्लिक का भूमिका है। अगर शराब पी रहे आप बैन कीजिए, आप कंप्लेन कीजिए, सब व्यवस्था है ना जी, आप कह देना कि शराब बंद, हम शराब बंद नहीं है बिहार में, तो शराब तो आप चालू किए हुए हैं, पब्लिक लोग। तो आपको नहीं लग रहा कि अब कुछ ज़्यादा ही अलर्ट पे है पुलिस और जेल में भर रहे हैं लोग? वो पहले भी अलर्ट थे, आज भी अलर्ट थे, उसको सूचना मिले तब ना। हाँ। अब आप घर में पी रहे हैं शराब, आप होटल में लोग पकड़ा रहे हैं, अगर आपको मालूम होगा तो। पता है हमको, आज ही पकड़ाया पटना में, पता है हमको पकड़ाया है, इस पे कार्रवाई सरकार को करना है और सरकार कार्रवाई कर भी रही है, ऐसा नहीं है कि जो अधिकारी भी, कितने अधिकारी को सस्पेंड किया गया है आपको नॉलेज में होवे करेगा ये सारी चीज़ें, तो फिर सरकार तो एक्टिव है ही, सरकार एक्टिव कहाँ नहीं है, सरकार को आप सूचना दीजिए, अगर आपके आसपास में कोई पी रहा है तो आप भी नागरिक है, आपका भी हक बनता है कि सरकार को आप इन्फॉर्मेशन दें इस चीज़ का, आप कह देना कि सरकार गलत है, सरकार गलत कैसे? सरकार कोशिश कर रही है, सरकार भरपूर कोशिश कर रही है, शासन पूरा टाइट है, जेल में भर भर के लोग जा रहे हैं। मुझे लगता है शराब बंद होगा नहीं, क्योंकि देखिए अगर हमको शराब किसी भी सिस्टम को अपने कंट्रोल में रहे तो लेना है तो उस पहले रूट पे अटैक कीजिए, उस पे रूट पे जहाँ से उसकी सप्लाई हो रही है उसको रोकिए, ना कि यहाँ पे। तो जेल में बहुत लोग पकड़ा के जा रहे हैं जी। क्या लगता है शराब बंद हो जाएगा अब? तो अब इसको क्या कह सकते हैं, अब जो सरकार कर रही है अब उसके ऊपर है, है ना, हम लोग क्या कहेंगे, शराबबंदी तो है लेकिन जेल में जो लोग पकड़ा के जा रहे हैं वो बात सही है, लेकिन बंद होगा या ना होगा वो तो सरकार के हाथ में है। तो आप देख ही रहोगे कि पुलिस फुल एक्शन में है, होटल से पकड़ रहा है, रोड से पकड़ रहे हैं, सब जगह से पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं शराबियों को। क्या लगता है शराब बंद हो जाएगा? शराब कैसे बंद होगा? क्यों? जब इलेक्शन होता है, जब मुखिया का इलेक्शन होता है, जब विधायक का इलेक्शन होता है, तो क्या करते हैं नेताजी सब, क्या करते हैं, वोटर को शराब देते हैं, खुद ला के देते हैं शराब, हाँ, ताकि वोट उसको मिले, पिए वोट उसको मिले, खुश हो जाए। क्या पी के वोट? हम क्यों पियेंगे, हम पीते ही नहीं है तो हम क्यों पियेंगे? देखे हम देखे हैं जो देखे हैं, ठीक है, वोटर नेताजी क्या करते हैं, उसके वर्कर द्वारा जो है पूरा ये बटवा देते हैं शराब जो है, ठीक, उसके बाद पूरा देखे, मतलब हाँ पूरा देखे हैं, आँख से देखे हैं। तो शराब कैसे बंद होगा बताइए? नहीं बंद होगा, लोग पकड़ा रहे आते हैं, हाँ, लोग पकड़ा रहे हैं, बहुत पकड़ा रहे हैं, बहुत पकड़ा रहे हैं, जहाँ से आते हैं वहाँ से बंद करवाना पड़ेगा ना, तो कौन बंद करवाएगा? कहाँ से आ रहे हैं? जहाँ से आते हैं, जहाँ वो सप्लाई होता है जहाँ से, हाँ। तो कौन बंद करवाएगा? हम लोग बंद करवाएंगे? नेता ना बंद करवाएगा? सरकार ना बंद करवाएगी? तो चलिए, लोगों का कहना आपने सुनी लिया, लोग का साफ कहना है कि ये सब करने से बस जेल भरा जाएगा, शराब जो है वो बंद नहीं होने वाला है। अगर शराब जहां से आ रहा है, अगर आना बंद हो गया बिहार में तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा, शराब बंदी नहीं होने वाला है। तो बस लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, धन्यवाद।